हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं देखिए मार्केट से आकर के बैठी हूँ और शक्ल देखिए देखने लायक हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई है मार्केट में। और देखिए यहाँ पर सामान निकल रहा है और रिंकू खोल रही है यहीं पर बैठ करके। तो ये देखिए सामान जो है भरा पड़ा हुआ है। और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ किचन के लिए ख़रीद करके लाई हूँ, वो मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो स्टार्ट किया है। तो रिंकू दिखाना। तो ये देखिए हमारे किचन का नया मेहमान, मेरा प्रेशर कुकर। और ये देखिए, और ये किस कंपनी का है आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं बोलूँगी नहीं। और ये देखिए, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि किचन के लिए प्रेशर कुकर खरीदूं। तो ये देखिए गैस और इंडक्शन दोनों के लिए हैं और बहुत ही अच्छा। ये तो आप लोग ब्रांड देख करके ही समझ गए होंगे कि ये जो है मतलब एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही अच्छी ब्रांड का है। और ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखिए। और बहुत दिनों से मैं इसको सोच रही थी कि इसको ख़रीदूं कुकर को, प्रेशर कुकर को, क्योंकि मेरे पास इंडक्शन तो है लेकिन उसके लिए कुकर नहीं है। कढ़ाई वगैरह है और बर्तन वगैरह हैं उसके लिए, चाय दूध के लिए, बट कुकर नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले कुकर ख़रीद लेते हैं, इसके बाद में और बर्तन देखेंगे। तो मैं जो है बर्तन इकट्ठे नहीं ख़रीदती हूँ, जब भी जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ख़रीदती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। और एक बार में जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं ना तो फिर हड़बड़ाहट में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ का कुछ ख़रीद लेते हैं। इसीलिए सोच समझ कर वही चीज़ ख़रीदना चाहिए किचन के लिए जो हम लोगों को ज़्यादा यूज़फुल हो और जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत हो। और देखिए इसका वारंटी कार्ड भी दिया है 5 साल का। तो ये देखिए स्टंप लगा करके दिए हैं, 5 साल का इसका वारंटी है। और 5 साल में अगर टूट फूट होता है तो वो ठीक करके देंगे, गारंटी नहीं है इसकी, वारंटी है 5 साल की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जाके देखने में ही। और आज हम लोग मॉर्निंग से गए थे और अभी के बज रहे हैं शाम के 3, मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो मेरा प्रेशर कुकर किस किस को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका प्राइस मैं बिल में देख करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये कितने का आया है। एक्चुअली ये हम लोग हमारा हम जहाँ शॉपिंग करते हैं वहाँ से ख़रीद करके लाए हैं। और ये देखिए तो सामान है बच्चों के, हॉर्लिक्स वगैरह देखिए। ये ऐसे इकट्ठा सामान 5-10 पैकेट हॉर्लिक्स, इस तरीके से मैं इकट्ठा ख़रीद लेती हूँ बार बार शॉपिंग करने के लिए। सिर्फ ग्रॉसरी में हर महीने ख़रीदती हूँ और बाकी साबुन निरमा जो है सब कुछ इकट्ठा ख़रीद लेती हूँ 5-6 महीने का एक बारी। तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैगी नूडल्स वगैरह सब कुछ। और बेबी इधर आओ, क्या खा रही हो आप, इधर आओ। और देखिए आते से ही जैसे ही बैग झोले खुलते हैं और इनका खाना पीना चालू हो जाता है। ये देखिए अब 4-5 दिन तक जो है हमारे घर में ज़्यादा रोटी नहीं बनेगी क्योंकि अभी देखिए नई नई चीज़ें जो आई हैं, एक एक पैकेट तो टेस्ट में चले जाएंगे कि भैया कैसा लग रहा है, ना बेबी कैसे लग रहा है, कैसे चले जाएंगे, क्या बोलोगी? इधर देखो, इधर है ना, हाय बोलो सबको सबसे पहले। तो हाय बोलो, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या है दिखाना इसमें। ये देखिए हार्ट शेप का चाशनी में डूबा हुआ बिस्किट बेबी खा रही हैं। और ये देखिए चाशनी के देसे गोरे गोरी बेबी, सुंदर सुंदर सी देखिए मेरी बिटिया रानी। आज बेबी ने देखो पौनी बनाई है, ये देखिए इसकी पौनी। और बेबी देखिए स्टाइलिश होती जा रही है, ये देखो पीछे मुड़ो, आप पीछे दिखाओगी तब तो। ये देखो भैया पौनी बनाई है, देखिए इसके बाल देखिए कितने प्यारे हैं, बहुत सिल्की हैं इसके बाल। और ये ना अच्छे से बांध के नहीं रखती इसलिए हम इसको बॉयकट बना देते हैं ना बेबी। 2-4 दिन इसका फैशन चलेगा, फिर जब ये बांधेगी नहीं जिस दिन उस दिन मैं ले जा करके इसको कटवा दूंगी इसके बाल, और फिर हेयर स्टाइल हो जाएगी गायब, है ना बेबी। दांत में फंस रहा है क्या, क्यों, कौन लेके आया? मम्मा और पापा। पापा मम्मा पापा लेके आए ना। तो देखिए खा रही है ये। तो चलिए आज का वीडियो, अगर आपने मेरे सबसे पहले, तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको इसी तरीके से मिलता रहे मज़ेदार वीडियो। और हाँ कुकर के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुकर मेरा कैसा है, किस किस के पास है ये वाला कुकर। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुकर
किस किस के पास में है सामान, और कुछ दिखाने लायक नहीं है, बाकी ग्रोसरी का सामान है और मैं पूरा खोल करके आप लोगों को दिखा दूँगी। तो इसी तरीके से बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम लोग न्यू न्यू चीज़ें जो जो खरीदते जाएंगे सब आप लोगों को बताते जाएंगे, और आप लोग बता बता के हम लोगों को बताते जाइएगा कि अब हम लोगों को क्या क्या खरीदना चाहिए। एक्चुअली जो सब्जी कट करने का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, वो मैं एक खरीदूँगी, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो उसका नाम ज़रूर मुझे बताइएगा, जिस पे रख करके सब्जी कट करते हैं, और उसके साथ जो चाकू आते हैं, नो बेटा वो नहीं है, उसके साथ जो चाकू आते हैं वो कौन सी कंपनी के मैं खरीदूं, लकड़ी का ब्लेड चाकू के साथ, हाँ वही बेबी को पता है, हम लोगों को उसका नाम पता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब हम लोग किस तरीके क्या बोलते हैं उसको सबसे पहले, तो मैं कौन सा वाला खरीदूं, उसके लिए मुझे आपके सजेशंस चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नाइफ जो है चाकू मैं कौन सी उसके खरीदूं, मतलब कौन सी कंपनी के खरीदूं जिसमें 2-3-4 चाकू आएँ अच्छे तरीके से, जिस सब्ज़ी जल्दी जल्दी कट हो जाए, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वो सजेशंस मुझे आपसे चाहिए। तो ठीक है, चलिए बताते हैं आपको सामान के हम आज क्या क्या खरीद के लाए हैं। अपना सारा सामान बता दिया जो जो मैं खरीद करके लेके आई थी, तो देखिए लाइट भी चली गई है, अब बचा है सामान जमाने के लिए, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।